फ्रेंड्स, एक वर्ब के पांच शक्ल होते हैं, यानी पांच फॉर्म होते हैं। जैसे अगर मैं ये बात आपको गो पर समझाऊं तो मैं कह सकता हूं, गो सबसे पहला फॉर्म होता है, यानी पहला शक्ल होता है, और उसका दूसरा फॉर्म वेंट, तीसरा गॉन, चौथा गोइंग और पांचवा गोज होता है। वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं। अगर मैं बात स्पीक की करूं, पहला स्पीक, दूसरा स्पोक, तीसरा स्पोकन, चौथा स्पीकिंग और पांचवा स्पीक्स। अगर बात मैं खाना यानी ईट की करूं, तो फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड एट, थर्ड ईटन, चौथा ईटिंग और पांचवा ईट्स। तो एक वर्ब के पांच शक्ल होते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के स्टडीज को हम टेंस कहते हैं। यानी आमतौर पर स्टूडेंट टेंस पढ़ते हैं और ये भी जानते हैं कि टेंस का हिंदी अर्थ काल होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये जानते हैं कि टेंस की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होती है। ये टेंस क्या है, कभी आपने सोचा है? फ्रेंड्स, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को जानना या उसके बारे में स्टडी करना ही टेंस कहलाता है। यानी मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। ये वर्ब के सभी रूप हैं, शक्ल हैं, और इन्हीं के बारे में स्टडी करना टेंस होता है। इन सभी के पास पर्सनल हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं। जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी जो पहला शक्ल होता है, उसके लिए डू आता है। दूसरे शक्ल के लिए डिड यूज किया जाता है, और तीसरे शक्ल के लिए हैव हैड या हैड का यूज किया जाता है। चौथे शक्ल के लिए हम इजारम या वाजबर का यूज करते हैं। बात अगर प्रेजेंट टाइम में है तो इजारम, अगर बात गुजर चुका है तो वाजबर का यूज करते हैं। और पांचवें फॉर्म, यानी जिसमें एस या ईएस लगा होता है, उसके लिए डज का यूज किया जाता है। तो आप ये बात हमेशा के लिए याद रखेंगे कि एक वर्ब के पांच शक्ल होते हैं और उन पांचों के पास अपना पर्सनल हेल्पिंग वर्ब होता है जो वक्त आने पर उनकी मदद करता है। फर्स्ट फॉर्म के लिए डू आता है, सेकंड फॉर्म के लिए डिड आता है, और थर्ड फॉर्म के लिए हैव, हैज, हैड, फोर्थ फॉर्म के लिए इजारम, वाजबर, और फिफ्थ फॉर्म के लिए डज का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी सकारात्मक वाक्यों में, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद नहीं लेते हैं। यानी पहला रूप, दूसरा रूप और पांचवा रूप जब सकारात्मक रहते हैं या अफर्मेटिव रहते हैं तो अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद नहीं लेते हैं। ये अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद तभी लेते हैं जब ये नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक हो, यानी नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। लेकिन तीसरा और चौथा, यानी थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये दोनों ऐसे वर्ब होते हैं जो हर कंडीशन में अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद लेते हैं। अगर वो अफर्मेटिव हो तो भी, अगर वो नेगेटिव हो तो भी, और अगर बात इंटरोगेटिव हो तो भी। तो आप ये बात याद रखिएगा कि एक वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं, पांचों के पास अपना पर्सनल हेल्पिंग वर्ब होता है। पहला का डू, दूसरा का डिड, तीसरा का हैव हैज या हैड, चौथा का इजारम या वाजबर, और पांचवा का डज। और अंतिम बात, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, जब ये पॉजिटिव रहते हैं यानी सकारात्मक रहते हैं तो ये अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद नहीं लेते हैं। लेकिन तीसरा और चौथा हर कंडीशन में अपने हेल्पिंग वर्ब की मदद लेते हैं। आइए फ्रेंड्स सीखें कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा शब्द वर्ब होता है और कौन सा शब्द वर्ब नहीं होता है। यहां मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो किताबों में नहीं लिखा है। अगर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह के वर्ड वर्ब होते हैं और किस तरह के वर्ड वर्ब नहीं होते हैं। तो चलिए देखें वह ट्रिक क्या है। मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स हैं और आपको जानना है कि कौन वर्ब है कौन वर्ब नहीं है, और आपको ज्यादा ग्रामर भी नहीं आता। कोई टेंशन की बात नहीं, आप उस शब्द का हिंदी पढ़ें।
अगर उस वर्ड का हिंदी अर्थ पढ़ने पर लास्ट में ना आता है तो वह वर्ब होगा, लेकिन अगर ना नहीं आता है तो वह वर्ब नहीं हो सकता। कैसे? कम मीन्स आ ना। जब आपके हिंदी शब्द के अंत में ना आए तो ऐसे शब्द वर्ब कहलाते हैं। पुअर मीन्स होता है गरीब। फ्रेंड्स, इस शब्द के लास्ट में ना नहीं आया, ये वर्ब हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत इसको वर्ब नहीं कह सकती। स्पीक मीन्स होता है बोलना। फ्रेंड्स, आप खुद बताइए क्या ये वर्ब है? जी हाँ, ये वर्ब है, क्योंकि लास्ट में आया है ना। आइए बात डांस की करते हैं। नाचना, फ्रेंड्स ये भी वर्ब है, आप देख सकते हैं लास्ट में आया है ना। हैप्पी का मतलब होता है खुश, ये वर्ब नहीं है क्योंकि इसको पढ़ने पर लास्ट में ना नहीं आया। वीप का मतलब होता है रोना, और फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं कि ये एक वर्ब है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह के वर्ड वर्ब होते हैं और किस तरह के वर्ड वर्ब नहीं होते, आप उसका हिंदी मीनिंग पढ़ लीजिए। अगर मैं कहूं हंगरी, तो हंगरी का मतलब होता है भूखा, ये वर्ब नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, ये एक वर्ब नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं एंग्री, एंग्री भी होता है नाराज या क्रोधित, ये वर्ब नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं फुलिश, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, या एक वर्ब नहीं हो सकता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं रन, तो रन का मतलब होता है दौड़ना, ये एक वर्ब है। सिट, सिट का मतलब होता है बैठना, ये एक वर्ब है। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, ये एक वर्ब है। तो फ्रेंड्स, ट्रिक यही था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा शब्द वर्ब है और कौन सा शब्द वर्ब नहीं है, तो आप उसका हिंदी अर्थ पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि वह वर्ब है कि नहीं है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, यानी दो चार ऐसे शब्द हैं जिसको पढ़ने पर अंत में ना आता है लेकिन वर्ब नहीं होता। इस तरह के शब्द को हम एक्सेप्शन या अपवाद कहते हैं। तो आपको वो बात जान लेना चाहिए ताकि लर्निंग में कोई कमी ना रहे। चलिए उस बात को जानते हैं। फ्रेंड्स, स्वेट पसीना, गोल्ड सोना, एक्सीडेंट दुर्घटना, ये तीनों ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में ना तो आता है लेकिन ये वर्ब नहीं होते, ये एक्सेप्शन या अपवाद होते हैं। अब सवाल ये है, क्या बस यही तीन वर्ड्स हैं या और भी हैं? तो फ्रेंड्स, इंग्लिश डिक्शनरी में तकरीबन 900,000 वर्ड्स हैं, और यह भी एक सच्चाई है कि मुझे सभी वर्ड्स नहीं आते। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि यही तीन वर्ड है? हो सकता है कि और भी एक दो वर्ड्स हों जो अभी मेरे तक पहुंची ही नहीं है, यानी मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि इस कंडीशन में कैसे समझें कि एक्सेप्शन कौन कौन है? इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसके जरिए आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि कौन एक्सेप्शन होंगे या अपवाद होंगे। फ्रेंड्स, ये तो क्लियर है कि आपको ये तीनों वर्ड्स याद हैं, लेकिन अगर कोई नया वर्ड आया तो आप जान पाएं कि वो अपवाद है कि नहीं, आप उसको ऐसे जाने। फ्रेंड्स, अगर वो वर्ड वाकई वर्ब है तो वर्ब के अंदर एक खास आदत पाई जाती है कि वर्ब हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा गतिशील होता है, जैसे कि फव्वारा जो 24 आवर्स चलता रहता है। तो अगर वो वाकई वर्ब है तो वो हमेशा गति में रहेगा, हमेशा मोशन में रहेगा। लेकिन अगर कोई वर्ड है जिसके लास्ट में ना आ रहा और उसमें कोई भी हरकत नहीं है, कोई भी मोशन नहीं है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि वह शब्द वर्ब नहीं है, वह अपवाद है। आइए एग्जांपल में समझें। अगर मैं कहूं रन और इसके बारे में सोचूं क्या ये वर्ब है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि मैं खड़ा हूं और मुझे दौड़ना है। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं बिना हिले दौड़ पाऊं? नहीं, मुझे दौड़ने के लिए हिलना तो पड़ेगा, यानी गति में आना पड़ेगा, मोशन में आना पड़ेगा, तो ये वर्ब है। अगर मैं बात कहूं मुस्कुराना,
अगर मैं नॉर्मल ऐसे खड़ा हूं तो क्या मैं मुस्कुरा पाऊंगा? नहीं, मुस्कुराने के लिए मुझे अपने मांसपेशियों को हिलाना पड़ेगा, मुझे अपने मुंह के अंदर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, यानी बिना हिले ये एक्शन नहीं हो सकता। तो ये वर्ब है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात राइट की करूं यानी लिखना और जानना चाहूं कि वर्ब है कि नहीं, तो जरा सोचिए, अगर मैं यहाँ कलम रख दूं और सोचूं कि बिना हिलाए मैं कुछ लिख लूं, क्या मैं अपना हाथ बिना हिलाए कुछ लिख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे लिखने के लिए अपने हाथ को गति में लाना होगा। तो ये वर्ब है, क्योंकि बिना मोशन में आए ये काम नहीं हो सकता। जब मैं ये बात अपने क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो कितने स्टूडेंट कहते हैं सीट यानी बैठना, क्या ये वर्ब है? तो मैं कहता हूँ हाँ ये वर्ब है। तो पूछते हैं कैसे, इसमें तो कोई हरकत नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें हरकत है। आप किसे कहेंगे कि सीट यानी आप किसे कहेंगे बैठ जाओ? उसी को कहेंगे जो खड़ा होगा। तो अगर कोई आदमी खड़ा है और आप कहेंगे बैठ जाओ, क्या ऐसा मुमकिन है कि बिना हिले वो बैठ जाए, बिना गति में आए वो बैठ जाए? नहीं, कोई भी खड़ा आदमी जब बैठेगा तो वो गति में आ जाएगा, हिलना तो पड़ेगा, यानी ये एक वर्ब है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सभी वर्ब नहीं थे, क्योंकि स्वेट होता है पसीना, पानी के बूंद को कहते हैं, और इसमें कोई एक्शन नहीं होता। गोल्ड यानी सोना, मान लीजिए ये सोने की कलम है, मैं इसको कहीं रख दूं, ये खुद से एक्शन नहीं कर सकता, इसमें कोई भी हरकत नहीं होगी, ये वर्ब नहीं है। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, इसमें भी कोई हरकत नहीं होती है। हरकत तब होती है जब हम कहते हैं दुर्घटना होना। टॉयज यानी खिलौना, इसमें भी कोई हरकत नहीं होती है। आप देखिए, अंत में ना तो आया है लेकिन हरकत नहीं होती, क्योंकि अगर आप कहीं खिलौना रख दें तो उसमें कोई भी हरकत नहीं होती है, आप जैसे रखते हैं वैसे ही रहता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा कि कैसे पहचाने कौन सा वर्ड वर्ब होता है और कौन सा वर्ड वर्ब नहीं होता है। फ्रेंड्स, यहाँ आपने सीखा वर्ब के बारे में,